इनेलो विधायक अभय चौटाला ने भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा किसानों को बलात्कारी कहने के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत एक महिला है, इसलिए वे उस महिला के बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक महिला को मर्यादा में रहना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि वे किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। किसान बलात्कारी नहीं है, बल्कि किसान देश का अन्नदाता है। कंगना को अपनी मर्यादा में रहकर बयान देना चाहिए। अभय चौटाला ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा हमेशा से ही किसानों के विरोध में रही है। अगर भाजपा किसानों की हितैषी होती तो कंगना रनौत की हिम्मत नहीं थी कि इस तरह का बयान किसानों के प्रति दे सके। अभय चौटाला ने कहा कि किसी को भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कंगना बलात्कारी का नाम बताए। अभय चौटाला रानिया हलके में अपने छोटे बेटे अर्जुन चौटाला के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से रूबरू हो रहे थे। इस मौके पर अभय चौटाला ने कांग्रेस और भाजपा पर भी जमकर वार किया। उन्होंने यह भी दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में इनेलो और बसपा की बहुमत से सरकार बनेगी और हमारी सरकार आने के बाद प्रदेश की जनता के दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की मदद की थी। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की मदद से कौरवों को युद्ध में हराया था। महाभारत के युद्ध में लोगों के साथ अन्याय करने वाले लोगों को भगवान श्री कृष्ण की अगुवाई में पांडवों ने हराया था। अभय चौटाला ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग प्रदेश की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। अभय चौटाला ने दावा किया कि आज रानिया से इस युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इनेलो और बसपा प्रदेश में भाजपा को सत्ता में बाहर करेगी और दूसरी ओर कांग्रेस को सत्ता से दूर रखेगी। उन्होंने कहा कि सिरसा जिले में नशे का कारोबार ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार नशे पर लगातार लगाम लगाने में फेल साबित हुई है। अभय चौटाला ने कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला पर भी हमला बोलते हुए कहा कि सिरसा में नशे पर रोक तब लगती जब हलके का मंत्री नशे पर ध्यान देता। उन्होंने कहा कि वे एलेनाबाद के विधायक होने के नाते नशे के मुद्दे को लगातार विधानसभा सत्र में उठाते रहते हैं, लेकिन नशे के कारोबार में सरकार के लोग खुद शामिल हैं। अभय चौटाला ने कहा कि अगर अपराधी थाने चलाने लग जाएंगे तो किसके साथ न्याय होगा। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत है, वो किसानों को बलात्कारी रेपिस्ट बता रही है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसान विरोधी है। अगर किसान के हितैषी होते तो फिर कंगना रनौत की हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह का बयान दे। कंगना को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हो। लोग जब सख्त जवाब देंगे महिला करके, हम उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। किसान अन्नदाता है, किसान रेप करने वाला नहीं है। रेप करने वाले जो हैं वो उनका नाम बताए, मर्यादा में बहुत मर्यादा में। महिला को बोलने से पहले सोचना चाहिए। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।